हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट मतलब रिफंड करना चाहते हैं तो रिफंड कर देते हैं तो सोचते हैं पैसा कहाँ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में डिटेल आपको बताएंगे पैसा कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। बहुत आसान तरीके से आपको बता दें फ्रेंड्स कि जैसे फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं या रिफंड करते हैं तो आपको खाते में तुरंत रिटर्न करते समय आपको पैसा आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको सीधे जो डिलीवरी मास्टर होता है जो पिकअप करने आता है उससे आप बात कर लीजिए। मतलब रिफंड जो होता है पिकअप जो करेगा आपको 100% आपको गारंटी देता हूँ तुरंत हो जाएगा, अपने खाते में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अपने खाता कैसे ऐड कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिस तरीके का खाता अपने ऐड करना चाहते हैं या अपने खाते बैंक में जो ऐड सीधे बैंक ऐड करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप ऐड से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या खाता कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से अपने मोबाइल को स्क्रीन को ओपन करने के बाद जैसे आप फ्लिपकार्ट में फोन ओपन करेंगे, कार्ड में ओपन होने के बाद जैसे फ्रेंड आपको बता दें कि माई ऑर्डर में जाएंगे, जैसे इस तरह से आ जाएगा। तो माई ऑर्डर में जाने के बाद जैसे किसी प्रोडक्ट को आप कैंसिल करना चाहते हैं, रिफंड करना चाहते हैं, जैसे डिलीवर टू 26 जनवरी, तो इस तरह जो है इसका 26 का है जो लिए थे। तो फ्रेंड जैसे इसको हम रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न करने के लिए फ्रेंड इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें जब आप जो दिक्कत रहेगा आपको इस तरह ऑप्शन को ऐड करना है। तो जैसे हमको साइज इशू है तो फ्रेंड इसको साइज इशू लिख देंगे तो नीडेड टू लार्जेस्ट साइज, तो इसके नीचे लार्जेस्ट साइज लिख देंगे। कमेंट में मतलब उसमें जो डालेंगे उस बहुत सही तरीके से डालेगा। इसके डालने के बाद फ्रेंड्स आपको बता दें इस तरह से रिफंड ऑप्शन आ जाएगा। तो रिफंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रिफंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे वॉलेट में ले लेंगे फ्रेंड, और आप इस वॉलेट में लेंगे तो आपके जैसे फ्लिपकार्ट अकाउंट होता है उसी में आएगा। जो इससे क्या होगा फ्रेंड कि जैसे आप इससे आप कुछ सामान खरीद सकते हैं, मतलब आपके खाता में नहीं आएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड जैसे आप एक साल में इसका एक साल तक वारंटी रहता है, उसके बाद यह एक्सपायर हो जाए। तो आपको बता दें इसमें लेने के लिए आपको सही तरीका नहीं है, जो इसमें नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे आपको बता दें बैंक अकाउंट विथ UPI, मतलब ये सही एक ऑप्शन आ गया है जो बैंक UPI में ऐड कर देंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जिसमें ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से ऐड करेंगे। जैसे इस तरह इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसके ऐड करने के लिए जैसे इस पर ऐड करने के लिए जिस ऑप्शन आएगा, जैसे आपको हम बता दें एग्जाम्पल के लिए फ़ोनपे ओपन करेंगे फ्रेंड्स। फोन पे ओपन करने के बाद जैसे इस तरह से ओपन होगा तो आपको UPI ID जैसे आपको नहीं पता होगा तो जैसे इस तरह से आप अपने मोबाइल का UPI ID इस तरह से ढूंढ लेंगे तो देखिए UPI ID जो आपका नंबर रहेगा और @IBL रहेगा उसको फ़ोनपे का UPI ID इसको ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे हम आपको कॉपी करके यहाँ से दिखा रहे हैं लाइव प्रूफ, तो इसे कॉपी करके यहाँ से कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक डन हो जाएगा। जैसे इस तरह से कर लेंगे तो इसको वेरीफाइड करेंगे फ्रेंड्स, जैसे वेरीफाइड होने के बाद तुरंत ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, इस तरह से आपको ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अन्य भी करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे इस तरह से आपको अन्य भी करके दिखा रहे हैं। जैसे आपने गूगल पे को जैसे करना चाहते हैं तो फ्रेंड जैसे गूगल पे को करना चाहते हैं तो जैसे गूगल पे के भी दिखाएंगे। जैसे गूगल पे को करना चाहते हैं जैसे आपको देखिए UPI ID यही है तो UPI ID इस तरह से क्लिक करेंगे, आपको जैसे इस तरह से आ जाएगा। जो UPI ID है उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे देख सकते हैं हमारा UPI ID यही है। इसको UPI ID को हम UPI ID आसानी से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा सीधे आपका फ्रेंड्स आपके खाते में आसानी से आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें आसानी से UPI में खाते में आ जाए। और फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो आपका खाता जो नहीं आपको बनाया होगा तो फ्रेंड्स आपको बता दें किसी खाता नंबर भी यहां से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे इस तरह से ऐड करने के लिए देगा जैसे IFC कोड, जैसे जो खाता आपका पंजाब नेशनल, SBI में, Axis Bank, FDIC जो खाता रहेगा फ्रेंड्स उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अपने खाते का IFC कोड फ्रेंड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर कन्फर्म डालेंगे, होल्डर नेम जैसे आपका नाम जो खाता नंबर में जो मेंबर रहेंगे उसका नाम रहेगा और मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे जो आपका मोबाइल नंबर से अटैच रहेगा। इसी उसके पास ऑटोमेटिक आपके जो जब तुरंत से पिकअप होगा आपके खाते में तुरंत रिफंड हो जाएगा। इस तरह से अपने ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं फ्रेंड आपको बता दें जैसे हमारा ऐड हो चुका है, जैसे इस तरह से हम ऐड कर लिए अपना नंबर और खाता नंबर, इस तरह से ऐड करने के बाद इस पर सबमिट कर देंगे। जैसे हमारा हो गया फ्रेंड इस तरह से होगा, इसको सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे, आसानी से आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।